एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन टिक्का, जो स्टीम करके मैं बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी होता है, अलग तरीके से बनता है। उसके लिए सबसे पहले मैंने 1 kg मटन लिया है। अब उसमें पानी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। 1 tsp नमक। अब इसको हम 1 सीटी आने देंगे इसमें। उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। इसको हल्का सा बॉयल करना है बस। तक मटन एक तरफ बॉयल हो रहा है, हम मटन में मैरिनेट करने के लिए मसाले को बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 6 tbsp दही ले लिया है। देखिए इस तरह से। अब इसमें हम 2 tbsp गरम मसाला पाउडर है, 1 tsp लाल मिर्च पाउडर, 1 tsp कश्मीरी मिर्च पाउडर है, 1 tsp धनिया पाउडर, 2 tsp चाट मसाला पाउडर, 1/2 tsp फूड कलर। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये मैंने 4 हरी मिर्ची, 1 गड्डी धनिया की पत्ती, 15 से 20 पुदीने की पत्तियां लेकर इसका पेस्ट बना लिया। इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। आप नमक और हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसको भी इसमें मिक्स करना है। अब हम इसमें 3 tbsp अदरक लहसुन का पेस्ट भी मिक्स कर देंगे। थ्री टीस्पून इसमें नमक जाएगा। इसमें हम 1 tsp विनेगर डाल देंगे। पूरा भर के टेबल स्पून नहीं डालना है। इस तरह से ये मटन को सॉफ्ट कर देता है। इसमें हमें 2 नींबू भी निचोड़ लेना है। इस तरह से देखिए, आप इसको इसी तरह से सूप की तरह भी इसके पानी को इस्तेमाल कर सकती हैं, बच्चों को दे सकती हैं। अगर आप बिरयानी बना रही हूँ तो इसका पानी यूज़ कर सकती हैं उसमें भी, क्योंकि टिक्के में इसकी ज़रूरत नहीं पानी की, इसलिए मैं सारा पानी फेंक दूँगी, सिर्फ पीस पीस ही रहने दूँगी। मैंने जो मैरिनेट का मसाला बना लिया था पहले ही, इसमें मटन जो बॉयल हो चुका है उसको मिक्स कर देंगे। इस तरह से देखिए, ये पहले से ही सॉफ्ट हो गया है। आप इसको 1 घंटे रख कर भी स्टीम कर, हल्का सा स्टीम कर सकते हैं। इसमें मैंने ब्रेड क्रम्ब 3 tbsp डाल दिया। अब इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम 2 से 3 घंटे फ्रिज में रख देंगे, अच्छे से अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाए। इसको बाद हमें कैसे हल्का सा ऑयल डाल के स्टीम करना है वो बाद में बताते हैं आपको। चलिए अब इसको हम रेस्ट पे रख देते हैं। मैंने चिकन को 5 से 6 घंटे रेस्ट पर रख दिया था फ्रिज में। अब ये पूरी तरह से रेस्ट हो चुका है, सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम एक पैन लेंगे। पैन में मैंने 4 tbsp ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल नहीं पड़ेगा इसमें। मटन ऑलरेडी ये बॉयल्ड है। इसको हम एक एक करके पैन में इस तरह से डाल देंगे। इस तरह से मैंने मटन को पैन में डाल दिया है। फ्लेम को मैंने लो ही रखा है। अब इसको ढक्कन ढककर 15 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे। स्लो आंच पे ही हमें पकाना है। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। इस तरह से ये 15 मिनट तक ढक्कन ढक दिया। मैंने जो मसाले को मैरिनेट किया उसको भी थोड़ा सा डाल देंगे मटन के ऊपर। दही है अच्छे से। मटन मेरा ऑलरेडी सॉफ्ट हुआ है, बस इसको इस तरह से हम इसको पकाएंगे। मैंने एक साइड से इसको 15 मिनट तक पका लिया है, लो फ्लेम पर ही। इसको हम पलट देंगे दूसरी साइड से भी। ये देखिए अच्छे से ब्राउन हो गया है। तरह से देखिए, मैंने पूरी रोटियों को फ्लिप कर दिया, पलट दिया दूसरी साइड। इसको भी ढक्कन ढककर हम 15 मिनट लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। पूरी तरह से पक चुका है, ब्राउन हो गए अच्छे से।
सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब इसको हम 30 सेकेंड के लिए फ्लेम को तेज़ पे कर देंगे, उसके बाद इसको निकाल लेंगे। तीस सेकेंड के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, उसके बाद अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। देखिए मैंने इसमें जो ऑयल डाला था वो पूरा ऑयल बचा है। देखिए इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट भी हो गया है, ज़्यादा ऑयल भी नहीं है इसमें। ये देखिए मटर टिक्का बनकर रेडी हो चुका है, ये बिल्कुल सॉफ्ट बना है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, स्पून से भी ये कट हो जा रहा है, देखिए इस तरह से। आप इसको घर पर ज़रूर बनाकर ट्राई करिए, ये बहुत ही टेस्टी बना है, बिल्कुल होटल जैसा। ना इसमें ऑयल है ज़्यादा ना कुछ भी, इसमें हमें किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं, आप ऐसे ही इसको खा सकते हैं। बच्चों को देंगे आप बहुत इंजॉय करेंगे ये। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। टिक्को को इंजॉय करें। Thank you.